मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल सोल आर्ट को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोल आर्ट। आपने पिछले वीडियो को मुझे जो रिस्पॉन्स दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पर्स देखेंगे, ये मैंने 13x9 इंचेस का क्विल्टेड पीस लिया है और ये 14x10 इंचेस का भी सिर्फ लाइनिंग लगा के रेडी कर लिया है। अब हम ये 13x9 इंचेस के जो हमारा पीस है उसे जिप ऐड करेंगे। पहले आर्म इसे यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे और फिर हम उसे जिप ऐड करेंगे। पाइपिंग के लिए मैंने 10x1 इंचेस का एक स्ट्रिप लिया है और दोनों तरफ से फोल्ड करके अब मैं ये यहाँ पे जोड़ देती हूँ। और इसे यहाँ पे जोड़ते वक्त ही हमें ये जिप अटैच करनी है, देखिए इस तरह से। और हम यहाँ पे और यहाँ पे उसे सिल देंगे। ये देखिए, ये पाइपिंग लगाते वक्त ही हमें ये जो जिप है यहाँ पे नीचे रखनी है तो वो एक साथ सिल जाएगी। ये देखिए इस तरह से, तो यहाँ पे पाइपिंग भी लग गई और ये जिप भी सिल गई। अब ये एक तरफ से जिप हमारी सिल गई है पाइपिंग। अब हम यहाँ पे भी प्रेस स्टिच लगाएंगे। ये देखिए, ये पाइपिंग और ये जिप हमारी एक साथ लग गई है। अब ये जो 14x10 इंचेस का पीस हमने तैयार किया है उसे अब हम जिप जोड़ेंगे। अब हम यहाँ पे रनर डालेंगे। ये हमें एक तरफ से जिप थोड़ी सी खोलनी है और ये जो रनर है ये हमें उसके सामने की तरफ से इंसर्ट करना है। ये देखिए यहाँ इस तरह से, ये एक ओर से हमने इंसर्ट कर लिया। अब ये जो दूसरा सिरा है वो भी उसके अंदर इंसर्ट करके ये जिप यहाँ पे दो उंगलियों में पकड़ के ये जो रनर है वो पुश करना है तो वो इंसर्ट हो जाएगा। और फिर ऐसे खींचना है तो ये रनर इंसर्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है तो अपने आप ये कर सकते हो। अब यहाँ पे पॉकेट तैयार करने के लिए यहाँ से 4.5 इंच पे मार्किंग करके यहाँ पे सिल देंगे। यहाँ पे सिलाई करके हमने ये एक पॉकेट तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे फोल्ड करके हमारा ये पॉकेट बन जाएगा, लेकिन पहले इसे सिलना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मार्किंग करनी है क्योंकि हमें यहाँ पे और एक पॉकेट जोड़ना है। तो मैं ये फोल्ड कहाँ आ रहा है वहाँ पे सिर्फ मार्किंग करके ले रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने सिर्फ मार्क किया है। अब यहाँ पे हम जो पॉकेट है वो ऐड करेंगे, सिर्फ ये जो ऊपर का कपड़ा है उस पे ही हमें वो लगाना है। ये 9x2 इंच की पट्टी मैंने ली है और उसे भी पीछे हमने लाइनिंग लगा के तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हम उसे पाइपिंग लगाएंगे। जैसे यहाँ पे अटैच की थी ये पाइपिंग और जिप एक साथ, वैसे ही हम यहाँ पे भी पाइपिंग और जिप एक साथ अटैच करेंगे और यहाँ पे सिल देंगे। तो उसके लिए भी मैंने ये 9.5x1 इंचेस का पट्टी कट कर लिया है और ये दोनों तरफ से मैं बीच में फोल्ड कर लूँगी। और ये देखिए इस तरह से ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे रखना है
और इसके पीछे जिप लगा के पहले इसे तैयार करना है, फिर ये जो पार्ट हमारा तैयार हो जाएगा वो यहाँ पे जोड़ना है। ये पाइपिंग लगा के और जिप लगा के हमारा पीस तैयार है। अब हम इस साइड से इसमें रनर डालेंगे। देखिए यहाँ पे भी इस साइड से डाला है, तो इसी साइड से हम ये रनर इंसर्ट करेंगे। अगर आपको यहाँ पे डिवाइड करना है, दो पॉकेट्स करने हैं, तो दोनों ओर से रनर हमें इंसर्ट करना होगा। अगर आपको क्रेडिट कार्ड का पॉकेट बनाना है तो यहाँ से भी एक रनर जाएगा और यहाँ से भी, तो दोनों तरफ से रनर डालना होगा। ये देखिए मैं इसमें रनर डाल रही हूँ। फिर से ये जिप सेपरेट कर लिया है और सामने से मैं वो रनर इंसर्ट कर रही हूँ। ये जिप मैंने दोनों उंगलियों में पकड़ ली है और मैं अभी ये रनर इसमें पुश करूँगी तो वो आगे आ जाएगा। और फिर यहाँ पे ये दोनों पकड़ के फिर खींचना है। देखिए इस तरह से रनर इंसर्ट हो गया। अब ये जो पीस है वो हमें यहाँ पे जोड़ना है। सिर्फ ये जो लाइनिंग का कपड़ा हमने तैयार किया है उस पे ही जोड़ना है, ये एक साथ नहीं जोड़ना है। तो ध्यान रखिए ये जो क्विल्टेड पीस है ये पीछे ऐसे जाएगा और फिर यहाँ पे हमें जो मार्किंग की है वहाँ पे ही हमें ऐसे रख के यहाँ पे स्टिच लेनी है और दूसरी स्टिच यहाँ पे आएगी। मैंने पहले ही ये दोनों तरफ से फोल्ड करके लिया है तो ये फिनिश्ड है। अभी ये जो मैंने मार्किंग करके लिया था उस पे मैं ये पॉकेट रख रही हूँ और मैं यहाँ पे उसे इस लाइन पे सिल दूंगी। देखिए एक ओर से हमने ये सिलाई कर लिया है। अब यहाँ पे सिलाई करते वक्त ये जिप थोड़ा सा फोल्ड करना है और यहाँ पे साइड स्टिच लेनी है, बिल्कुल भी अंदर नहीं आनी चाहिए। थोड़ा फिनिशिंग का काम है तो ध्यान से कीजिए। मैं रनर थोड़ा आगे कर देती हूँ। ये देखिए ये पूरा फिनिशिंग करके साइड स्टिच हमने पूरा कर दिया। अब यहाँ पे साइड स्टिच कर देना है हमें और ये जो कपड़ा हमारा खुला है वो ये दोनों साइड से पहले हम इसे जोड़ लेंगे, फिर यहाँ पे बटन अटैच करके उसे पाइपिंग लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पे दोनों तरफ सिल के ये हमारे पॉकेट्स पूरे हो गए हैं। पहले लेकिन हमें यहाँ पे मैग्नेटिक बटन लगाना है। एक तरफ से मैग्नेटिक बटन हमने लगा दिया है। अब हम ये यहाँ पे स्टिच करके क्लोज कर देंगे। ये सिल के हमने एक्स्ट्रा का जो थोड़ा सा कपड़ा था वो फिनिशिंग कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा कर्व करके हम इसे पाइपिंग अटैच कर लेंगे और हमारा पर्स कंप्लीट हो जाए। ये पाइपिंग लगा के हमारा ये पर्स लगभग पूरा हो गया है। अब सिर्फ यहाँ पे हमें मैग्नेटिक जो बटन का आधा हिस्सा हमारा जोड़ना बाकी है वो हम जोड़ देंगे। ये देखिए ये अब पॉकेट वाला हमारा पर्स रेडी है। ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा। तो आपने जो कमेंट्स में मुझे डाला था उसी के ऊपर आज मेरा ये वीडियो मैंने बनाया है। जो थ्री पॉकेट वाला पर्स आपको देखना था वो भी मैंने को सब्सक्राइब कीजिए।